नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैनपुरी जिले के बरनाहल थाना क्षेत्र में चार बच्चे गड्ढे में भरे पानी में डूब गए, जिनमें तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर और हृदय विदारक घटना के बाद से पूरे गांव में रुदन मचा हुआ है। घटना रविवार देर शाम की है। थाना क्षेत्र के ग्राम बीनेपुर में यहां के रहने वाले गजराज कठेरिया का 10 वर्षीय पुत्र सनी कुमार, वीरेन जाटव का 9 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार, गांव के ही अनुज पुत्र हरपाल व धर्मवीर पुत्र मुकेश के साथ रविवार शाम बकरी चराने के लिए खेतों की ओर गए थे। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। परिजनों ने गांव के पास ही स्थित एक भट्टे के पास पानी से भरे गड्ढे के किनारे बच्चों के कपड़े देखे। आनंद फानंद में जानकारी थाना पुलिस को दी गई। रात करीब 9 बजे बरनाहल और घिरोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे में बच्चों की तलाश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पानी से तीन बच्चों के शव बरामद किए हैं। वहीं एक बच्चे को गंभीर हालत में सैफई भेजा गया। बच्चों के शव मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सैफई मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने चौथे बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पूरे गांव में रुदन मचा हुआ है। पुलिस ने सभी बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराया है। ये तालाब साहब, इसमें ईंट पथ रही थी जी, तो बारिश हो गई, उसमें पानी भर गया, तो उनकी जो लेबर थी भट्टा मालिक की, उनकी झुग्गी वो डूब रही थी जी, तो उसमें पानी कम करने के लिए उन्होंने मशीन से उसमें गड्ढे खुदवा दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बच्चे रोज की तरह बकरियां चराने जाते थे। ठीक। तो जब बारिश होने लगी, बारिश होने के बाद बारिश हुई तो बकरियां घर पर पहुंची, बच्चा घर पर नहीं आए, तो उनको मतलब उनकी तलाश की गई, देखा वारा गया, तो ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब के किनारे चप्पल रखी मिली, इससे ये अंदाज लगाया गया कि हो सकता है कि ये बच्चे इसमें हैं। तो चारों को चारों डूब गए, चारों के चारों ही सर डूब गए। तो कैसी अवस्था में मिले हैं साहब? वो तो मेरे दिमाग से यही है कि मृत अवस्था में। तो हम मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने क्या उनको छानबीन की है जी? पुलिस प्रशासन ने निकाला है? हाँ, जो तो जब तक मतलब पुलिस प्रशासन पहुंचा है जी, तब तक गांव वालों ने ही निकाल लिए। दो पुलिसकर्मियों ने निकाला? दो पुलिसकर्मियों ने। तो अब लाशें कहाँ हैं? लाशें साहब एम्बुलेंस से रेफर कर दी। ये लड़के जो खत्म हुए हैं, ये हमारे ताऊ जी लगते हैं, उनके नाती, दो नाती है उनके, और एक जो है वो हमारे ग्रामीण है कठेरिया समाज से, उनके देवते हैं। अच्छा। तो ये चार लड़के हैं और चारों 9-10 वर्ष की उम्र के हैं जी, और ये गांव में बकरियां चराने रोज की तरह जाते थे। जब जो है बकरियां आ गई वापस, जब बारिश होने लगी, तब घर वालों ने इनको देखा कि ये बच्चे घर लौट कर नहीं आए जी, तो फिर जब इनकी खोज तलाश शुरू की, तो फिर वहां पर इनके जो है चप्पल पड़ी हुई मिली गड्ढे के पास, तो फिर ग्रामीणों ने अंदाज लगाया कि इसी में ये बच्चे डूब गए। चारों में नाम कौन कौन थे? चारों में जो है एक अनुज हरनाथ सिंह, अनुज पुत्र हरनाथ सिंह, दूसरा है सूरज पुत्र वीरेन सिंह, और तीसरा है धर्मवीर पुत्र मुकेश, और चौथा है सनी पुत्र गजराज सिंह। चारों की एक ही साल 10 वर्ष की है लगभग? हाँ जी, 9-10 के ही है चारों, 9-10 के चारों बराबर। तो चारों की मौत होगी? चारों की अभी तो अभी चारों जो है अस्पताल के लिए भेज दिए, चारों जो है अभी तो मृत ही संज्ञान में है। हमारा नाम शिवकुमार है। शिवकुमार जी, ये जो ना ये तीन बच्चे जो है तालाब में डूब गए, तो पूरा मामला क्या है, किस तरह से क्या कहां ये साहब? रोजाना की तरह बकरी चराने के लिए वहां जाते थे जी, तो जो ईंट भट्टा पर जो लेबर ईंट थापती थी उनकी वहां झोपड़ी थी, तो उन गड्ढों तालबन में झोपड़ियों भर गया पानी जी, तो उन्होंने एक गड्ढा किया उसमें गहरा सा। ये लड़के समझते थे रोजाना की तरह वैसे सादा पानी है, तो जो पानी बरसने लगा तो इन लड़कों ने बकरियां तो भग गई कच्ची सड़क हो गए। ये लड़के उसी रास्ते से भगे तो वहाँ करीब 15-20 फीट नीचे जो गड्ढा खुदा हुआ था उसमें जाकर के गिरे। गिरने के बाद जब बकरियां पहुंच गई घर, तो घर वालों ने कहा कि बच्चे नहीं आए, बकरियां पहुंच गई,
फिर उन्होंने मकाका में उधर से ढूंढते ढांढते आए तो उनकी एक चप्पल उसमें पाई गई। पाई गई तो उसी के जरिए मालूम पड़ा कि इसी में है। तो गांव वाले ने सबने खोज की, दो डेड बॉडी मौके पर ही लड़कों ने बांसवली की तरह निकाल ली। दो डेड बॉडी पूरा प्रशासन जब पहुंच गया उनके सामने निकाली गई और उसके लिए एम्बुलेंस बुला करके उन्हें भेजा। अच्छा, ये जो ना कितने बजे की घटना है? सब 3 बजे घटना, मतलब 3 बजे निकले थे, घटना साफ होगी 5 बजे के लगभग। 3-4 अच्छा, कितने बजे जान पाई लोगों ने? ये मतलब वही 5 बजे जान पाई, 5 बजे 5:30 बजे तभी से लगे। 2 घंटे तक उसी में? हाँ, 2 नहीं 2.5 घंटे के लगभग उसमें लगे रहे, पड़े रहे। उसके बाद ये जानकारी। तो मृत निकाला गया है? हाँ, मृत ही है साहब, वो मृत तो ये सारे मृत।